ये अकाली दल ने किया है मर्यादा और एक खून मांस का रिश्ता था, पर अपने छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए अकाली दल ने ये रिश्ता खत्म किया। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को लेकर 3 जो हैं बिल लाए गए हैं, इसको लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्वेत मलिक, इनसे बात करते हैं आखिरकार किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं और भाजपा को ये बिल लाने की इतनी जल्दी क्या थी। मलिक साहब नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा बताएंगे बस, केंद्र सरकार की ओर से जो 3 बिल लाए गए हैं, क्या आप बताएंगे तीनों बिलों की डिटेल क्या है और किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा है कि ये तीनों बिल जो लाए गए हैं ये किसान के हित के बिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसानों का हित करती आई है और अब तक जो रिफॉर्म्स आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही रिफॉर्म्स किए हैं। मैं आज सबसे पहले जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए, मोदी साहब ने वादा किया कि 2022 तक किसान की आमदन दुगनी कर दी जाएगी, सो उसमें उन्होंने ये 2022 तक का जो लक्ष्य लिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई, उसके बाद 6,000 रुपये किसान की पेंशन लगवाई, वो सारी बातें ठीक है मलिक साहब आपकी, एक मिनट, उसके बाद उन्होंने जो यूरिया है जिसके लिए किसान को बर्बरतापूर्ण पीटा जाता था कांग्रेस के राज में ब्लैक मार्केट करने वालों के द्वारा, आज यूरिया उपलब्ध है, आज किसान की क्रॉप की जो इंश्योरेंस है हमने उपलब्ध कराई, और अब ये जो बिल आए हैं इन्होंने सही मायने में किसान को आज़ादी दी है कि किसान आज़ाद हुआ है मंडी के, जो किसान के लिए पहले जो दुकानदार थे उनके लिए कोई कानून नहीं था, वो कहीं भी बेच सकते थे, किसान केवल बाध्य था मंडी के लिए, अब किसान भी कहीं भी बेच सकता है, वो एग्रीमेंट में आएगा, एग्रीमेंट में आके उसके लिए सुनिश्चित किया है कि जो अपना प्रमोटर के साथ एग्रीमेंट करेगा 3 दिन में पेमेंट होगी और 30 दिन में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो SDM सेटल करेंगे। मलिक साहब, ये फिर किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तीनों बिल अगर लाए, ये जो तीनों बिल लाए गए हैं वो क्या हैं और आखिरकार ये किसानों के हक में कैसे हैं? ऐसे है कि ये सारा देश इसके साथ खड़ा है, केवल पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल किसानों को गुमराह कर रहा है। मैं यहाँ पे मोदी जी की तरफ से वादा कर रहा हूँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी रहेगी और मंडी व्यवस्था जो है वो वैसे ही जारी रहेगी। मलिक साहब, एक आपने कहा कि ये जो है किसानों को इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाएगा, जिसके पास पैन कार्ड है वही कंपनी का, नहीं नहीं, पैन कार्ड का मतलब तो यही है? नहीं, कोई मतलब नहीं है, पैन कार्ड एक आइडेंटिटी का प्रूफ है, कोई इनकम टैक्स का लफ्ज किसी एक्ट में कहीं यूज नहीं किया। अरे जिसके पास पैन कार्ड है वही किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा? पैन कार्ड एक आइडेंटिटी के लिए दिया गया है ताकि किसान को धोखा ना मिले, इसके लिए। नाखून मांस का रिश्ता था, घी खिचड़ी थे आप लोग, ये अलग हो गया है और अकाली दल कह रहे हैं इन्होंने जो है गलत किया है, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ये अकाली दल ने किया है मर्यादा और एक खून मांस का रिश्ता था, पर अपने छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए अकाली दल ने ये रिश्ता खत्म किया। उनका कहना है कि ये बिल हमें पढ़ने के लिए नहीं दिया गया और हमें इसे लाने से पहले हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। की बैठक में हर एजेंडा पढ़ने के लिए दिया जाता है और बीबी हरसिमरत कौर बादल जी कैबिनेट की बैठक में उपस्थित थी, उसके बाद भी इसके डॉक्यूमेंटेशन उनके पास थी तभी वो सपोर्ट करते रहे। ये बिल तो जब ऑर्डिनेंस बना तब वो क्या मंत्री जो कैबिनेट की बैठक में बैठे थे उनको लिखित में नहीं मिला? अब जो पंजाब सरकार करने जा रही है इस कानून के खिलाफ एक कानून लाने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने में जाने की बात कही है उन्होंने, ये तो कोर्ट निर्णय कर लेगा, क्योंकि जो फेडरल सिस्टम है जो लोकसभा और राज्यसभा के अधिकार में जो आता है वो अधिकार को ये स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज नहीं करती। मलिक साहब, एक एसेंशियल कमोडिटी से अनाज दालों को निकाल दिया गया, क्या आपको लगता है ये एसेंशियल नहीं? अब जितना मर्जी जो चीज़ है स्टोर करेगा, सस्ती फसल खरीदेगा और महंगे दामों पर बेचेगा, इसका कारण क्या है कि एग्रो इंडस्ट्री आए, आज सब्जियों के लिए दालों के लिए प्रोड्यूस होती है पंजाब में और प्रोसेसिंग होती है पंजाब से बाहर। अब आप देखिएगा कि ये जो खुलापन आया व्यापार में उससे पंजाब में एग्रो इंडस्ट्री प्रफुल्लित होगी, यहीं पे ही क्रॉप पैदा होगी, यहीं पे ही प्रोसेस होगी। अच्छा मलिक साहब, अभी आप 13 सीट 23 सीटों पर लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तैयारी शुरू हो गई है, 117 जो हैं
कैंडिडेट कैसे लाएंगे और गांवों में आप किस तरह अपना प्रचार करेंगे? हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हरियाणा में किसकी सरकार है, हमारी सरकार है, महाराष्ट्र में हम सरकार बना चुके हैं, त्रिपुरा में बना चुके हैं, असम में बना चुके हैं, तो हमने तो कई सरकारें ऐसे बनाई। अच्छा, एक मलिक साहब उनका ये कहना है, हम तब इनका साथ दिया था जब ये दो MP थे इनके पास, तब इनके साथ अकाली दल खड़ा था, अब ये इतने क्योंकि इनके पास सीटें ज़्यादा हैं और ये एक तरह से तानाशाही पर उतर आए हैं। मैं फिर वही बात करूंगा कि भाजपा ने सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को बहुत सम्मान दिया है और NDA के वो सबसे सम्माननीय नेता। अच्छा, एक सवाल मेरा लास्ट है, आप अगर कह रहे हैं ये तीनों बिल जो हैं किसानों के पक्ष में हैं, तो फिर किसान इसका जबरदस्त विरोध क्यों कर रहे हैं? 7 दिनों से रेल बंद है। ऐसा है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब जो हमारा चूना है उसकी खरीद जो है वो शुरू होने वाली, धान की खरीद में जब मिनिमम स्पोर्ट प्राइस पे FCI खरीद करेगी तो सारे भ्रम जो विपक्षियों द्वारा फैलाए जा रहे हैं दूर हो जाए। अच्छा, एक सवाल और, आपको नहीं लगता था ये बिल लाने से पहले किसान संगठनों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था और उन्हें बताना चाहिए था ये किस तरह आपके पक्ष में है? ऐसा बहुत मंथन हुआ, सारे देश में इस बिल के सपोर्ट में किसान खड़े हैं। अच्छा, एक नवजोत सिंह सिद्धू भाजपा इसीलिए छोड़ के गए थे क्योंकि उनका मत था कि अकाली दल से गठबंधन तोड़ दिया जाए, अब अकाली दल ने खुद ही अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्या नवजोत सिंह सिद्धू दोबारा BJP में वापसी हो सकती है उनकी? ये जवाब नवजोत सिंह सिद्धू दे सकते हैं, मैं नहीं देता। धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए। ये थे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्वेत मलिक। इनका कहना है कि किसानों के हित में लाए गए हैं बिल, किसान को इनकम टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। जो असेंशियल कम्योडिटीज़ को बिल लाए गए हैं जैसे अनाज दालों को लेकर, इससे एग्रो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। इनका ये कहना है अब नाखून मांस का जो रिश्ता अकाली दल बादल के साथ था हमारा, वो हमने नहीं तोड़ा, उन्होंने पैर पीछे खींच लिए हैं, हाथ पीछे खींचा है। और जो ये दोनों हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर सिंह बादल ये सब ड्रामा कर रहे हैं, बिल पारित होने से पहले इन दोनों को कॉपी दी गई थी। अमृतसर से D4 News के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।